हेलो व्यूअर्स, मैं हूं शबीना मुमताज़ और आप देख रहे हैं मुमताज़ किचन। आज मैं बनाने जा रही हूं, यहां पे बोरो आलू की सब्ज़ी बनाऊंगी। बोरो इस तरह का दिखता है, बीन्स होता है ये और ये आलू है। ये मैंने अच्छे से काट के वॉश कर लिया है और यहां पे मैंने थोड़ा टमाटर लिया है, इसका सीड निकाल लिया मैंने। ऑयल, ये जैतून का तेल है, आप कोई भी तेल ले सकते हैं। तड़के के लिए मैंने यहाँ पे पचफोरन जो होता है नॉर्मल वो लिया है, और मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर है 1 चम्मच, मिर्ची पाउडर 1 चम्मच, धनिया पाउडर आधी चम्मच, हल्दी पाउडर और आधी चम्मच नमक है। नमक आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से रखिएगा। और यहाँ पे लहसुन और प्याज का ये पेस्ट है। ये रेसिपी इसलिए बना रही हूँ कि ये नॉर्मल चीज है, लेकिन बैचलर्स को बहुत दिक्कत होती है कि वो जल्दी जल्दी किस तरह बनाए। प्रेशर कुकर मैं ऑलरेडी गर्म कर चुकी थी, ऑयल ऐड कर दिया है मैंने। और मैं यहाँ पे साथ में एक रोटी बनाऊंगी जो कि झटपट हो जाती है। तो रोटी के लिए मैंने यहाँ पे आटा लिया है और इसमें थोड़ा सा सॉल्ट, सॉल्ट मैं यहाँ ऐड कर देती हूँ। आटे का कलर आपको नॉर्मल नहीं दिखेगा क्योंकि इसमें जो जौ होता है, यानी 4 केजी गेहूं और 1 केजी जौ मिला के हम पिसवाते हैं, और 50 ग्राम कलौंजी, तो वो अच्छा रहता है आपके लिए। तो ये है, यानी 4 केजी गेहूं, 1 केजी जौ और 50 ग्राम कलौंजी, ऐसे पिसवाया जाता है। तो कलर थोड़ा अच्छा नहीं होता है, रोटी का कलर भी उतना अच्छा नहीं आता, लेकिन हेल्थ के लिए ठीक है। तो चलें, मैं यहाँ दिखाती हूँ। तेल जो है वो हमारा गर्म हो चुका है। तेल यहाँ पे गर्म हो चुका है, फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और इसमें जो फोड़न होता है इसको ऐड कर दूँ। तेल को गर्म होने के फौरन बाद ही आप फ्लेम को बंद कर दें और 1 मिनट वेट कर लें। उसके बाद आप ये चीज़ें, मसाला जो है, ये मसाले को आप डालें। और अगर आप साथ में डालते हो, फ्लेम भी ऑन है, साथ में डालते हो, तो उससे क्या होता है कि कोई फ़ायदा तो नहीं होता है, बस गंदगी मचती है और यानी हाथ पे जलने का चांस होता है। तो इसलिए आप थोड़ा 1 मिनट वेट कर लो। वेट करते हैं, ये थोड़ा नॉर्मल हो गया है। अब मैं चीज़ों को डालना शुरू करती हूँ। चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके फ्लेम ऑन कर दूंगी और मसालों को अच्छी तरह फैला लेते हैं। मसाला इसमें देखो, ये मसाला भुन रहा है। मसालों को अच्छी तरह 1 मिनट के लिए, 1 मिनट से ज़्यादा ना भूने, 1 मिनट के लिए मैं भून रही हूँ मसालों को। इस तरह का दिख रहा है, ये देख सकते हो। अब टमाटर ऐड कर देंगे, सब्जी का मसाला उतना भूनने की ज़रूरत नहीं होती है। टमाटर ऐड कर दिया मैंने और यहाँ पे मैं सब्जी ऐड कर दी। सब्जी मैंने ऐड कर दिया है, इसको अच्छे से मिक्स कर दूँ। एक दो बार भून लें इसको और थोड़ा सा वाटर डालना, सब्जी में ज़्यादा वाटर नहीं डालना।
बस आप देख सकते हैं कि कितना वाटर है, इसमें थोड़ा वाटर है कि ये लगे ना, नीचे तले पे लगे ना। अब स्टैंड पे मैं इसको बंद कर रही हूँ, प्रेशर कुकर बंद कर दी हूँ। इसको 2 या 3 सीटी लगाऊंगी मैं, ये गल जाता है, सब्जी गल जाती है, तो 3 सीटी लगा लेती हूँ। और आटा मैं लगा लेती हूँ, नॉर्मल आटा लगाना है तो नॉर्मल आटा गूंद लेती हूँ, बहुत गीला नहीं हो, बहुत सख्त नहीं हो, दरमियाना आटा लगाऊंगी। तो चलिए मैं ये सब्जी यहाँ बन रही है, आटा मैं यहाँ पे लगा लेती हूँ, फिर आपसे मिलते हैं। आटा मैंने लगा लिया है, इस तरह की 6 टुकड़ों में बांटते हैं उसको, क्योंकि मुझे 3 रोटी बनानी है। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिया है खुश्क आटा, परेथन जो होता है बेलन, और यहाँ पे घी और ये ब्रश। तो चलें आपको बना के दिखाती हूँ कि मैं किस तरह बनाऊंगी। यहाँ पे 2 पेड़े ले लेते हैं, ये पुराना तरीका है, पहले बनता था दोस्ती रोटी कहते थे इसको, मम्मी लोग बनाते थे। इसको प्रेस करना है, दोनों हाथ से प्रेस कर दीजिए, और कोई भी ब्रश ले लें और उसकी मदद से इस पे घी लगा दीजिए। घी लगा दूंगी, दोनों पे लगा दें, साइड का भी ख्याल रखें, साइड पे भी लगना चाहिए। ये रोटी बहुत जल्दी बन जाती है और बहुत सॉफ्ट रहती है, यानी देर तक, नॉर्मल रोटी जो होती है उससे बहुत सॉफ्ट होती है, इसमें घी भी ज़्यादा नहीं जाता। इस तरह लाइटली लाइटली प्रेस कर दें, खुश आटा लगा दें साइडों पे भी, और इसको इस तरह बेलें। बेलते हुए ख्याल रखिए कि दोनों साइड से बेलिएगा, ताकि रोटी जो है हमारी दोनों साइड से इक्वल हो। अब मैंने इस साइड से बेला था, अब मैं इस तरफ बेलूंगी। सब्जी भी हमारी तैयार हो गई है, इस तरह से कुछ इस तरह दिखती है ये रोटी। देखिए ये दोनों जो है, ये दोनों, ये रोटी आपको जल्दी बन जाएगी, यानी कोई फॉरेन से आ गया है तो आप ये रोटी बना ले, ये झटपट बन जाती है। चलिए इसी तरह सबको बेल लेती हूँ, फिर आपसे मिलते हूँ। तवा मैंने ऑलरेडी गर्म कर रखा है, तवा गर्म हो चुका है, और ये इस पर थोड़ा आटा डाला है, ये जल जाएगा, यानी कि ब्राउन हो जाता है, तो आप समझ लें आपका तवा बिल्कुल रेडी है रोटी बनाने के लिए। इसको हटा देंगे। चलिए रोटी बनाना स्टार्ट करती हूँ। ये रोटी मैंने जो बेल के रखा है, तरह रख लें, फ्लेम थोड़ा तेज करके। यहाँ पे मैंने रखा है घी और इस टाइप का एक ब्रश, इसका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा, फिर हम पलटेंगे। इसका कलर चेंज हो रहा है, बबल्स आने शुरू हो गए हैं, तो पलटेंगे। पलटने के बाद इस तरह का कोई सॉफ्ट और साफ कपड़ा ले लें, ये क्लीन होना चाहिए, कोई महक नहीं होनी चाहिए, वरना रोटी खराब हो जाती है। रेडी है और इस
चलो इसको दूसरी चीज सीख लो। ये रोटी बैचलर्स के लिए अच्छा है, एक रोटी बनाएंगे और दो रोटी बन जाएगी। तो चलिए इसी तरह मैं और रोटी बना लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। और इस पे घी लगा लेती हूँ साथ में। सारी रोटियाँ हमारी बनके तैयार है। अब मैं इसको अलग कर लूँगी। ये देखिए ये अपने आप ही अलग होता है इस तरह से। ये देखिए ये बिल्कुल अपने आप ही अलग हो जाएगा। इसको इस तरह फोल्ड कर दें और प्लेट में रख दें। बहुत गर्म है ये दूसरी रोटी। ये अपने आप ही अलग हो जाएगी। इस तरह फोल्ड करें। इस तरह ये देखिए बिल्कुल अलग हो गई। और इस तरह फोल्ड कर दें। तरफ फोल्ड कर लें। तो रोटी हमारी तैयार हो गई। मैंने सब्जी ऑलरेडी निकाल रखा है। सब्जी मैंने ऑलरेडी निकाला है। यहाँ रोटी तैयार है। सब्जी हमारी तैयार हो गई थी, ये प्रेशर कुकर में बनाया था मैंने। सब्जी तैयार हो गई थी और इसमें धनिया पत्ती मैंने ऐड कर दिया था खोलने के बाद। आप देख सकते हैं पराठा, यहाँ चटनी लिया है मैंने। ये अभी सब्जी जो बनाई हूँ वो सब्जी है, देखिए कितना अच्छा कलर है। और थोड़ा अचार लिया है। ये प्रॉपर आपका खाना है, आराम से आप खा सकते हो। तो चलिए इसी तरह की रेसिपी के साथ मैं आती रहूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।